हेलो स्टूडेंट्स, आपको सुबह कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और वो स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड थे। उन क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। जब भी कोई वायर, एक लॉन्ग वायर होता है जिसकी लेंथ आपको दी है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, उसकी वायर उसकी लेंथ कुछ आपको दी हुई है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो देखिए कैसे। देखिए, अब ये जो है, ये डेरिवेशन है आपका फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से हमने ये डेरिवेशन किया था। अब इसको अगर मैं जूम करूँ तो जूम करके यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू क्या दी हुई है, दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और इसको मैं, जब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और ये हो गया कॉस थीटा। अब देखिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं और ये कंडीशन है, उसमें बदलाव क्या हुआ है? बदलाव सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ माइनस पाई बाई टू से ये माइनस थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। आपने कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया और ये माइनस थीटा वन, ये प्लस थीटा टू हो गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। तो आपको जो फॉर्मूला लिखाया था, ये वाला फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले में लिखाया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन, वो नहीं आएगा फॉर्मूला, बस ये आएगा। 2 पाई आर की जगह 4 पाई आ जाएगा, बस इस जगह थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो प्लीज़ इसको देखिएगा।